तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैरेट्स को हाथ पर बैठना कैसे सिखाएं। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि पैरेट्स आप ले आए हैं, परचेज कर लिया है, घर पर रखा हुआ है, बट वो आपके पास नहीं आ रहा है, उड़ के कहीं और बैठ रहा है, किसी पाइप पे, ट्यूबलाइट पे, बट आपके हाथ पर कभी नहीं बैठ रहा है। आप लोग चाहते हैं कि आपके हाथ पर बैठे, तो इसके बारे में बात करेंगे आज कि इसको कैसे सिखाएं कि वो आपके हाथ पर बैठे। दोस्तों देखिए, आपके पास पैरेट होगा, आप उस पैरेट को ऐसे कमरे में रखें जहाँ पर दीवार हो सिर्फ, बाकी कोई पाइप वगैरह कोई स्टैंड ना हो जिस पे कि पैरेट आपका बैठ सके। उस कमरे में पैरेट रहेगा तो वो उड़ेगा, वैसे पैरेट उड़ते हैं, वो उड़ेगा, कुछ देर उड़ेगा, फिर नीचे ही फर्श पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि उस कमरे में कोई सपोर्ट नहीं जहाँ वो बैठ सके। लेकिन जब भी आप उस कमरे में एंटर होंगे, वो पैरेट उड़ने के बाद आपके हैंड पे, आपके शोल्डर पे या आपके सर पे बैठेगा आगे, उसको ये लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं है इसके सिवाय, तो वो हमेशा आपके इस तरह से बैठना शुरू कर देगा। कम से कम आपको एक मंथ उसको ऐसे कमरे में रखना होगा जहाँ पर कि कोई स्टैंड ना हो। एक मंथ बाद उसको आप कहीं पे भी रखेंगे तो आप उसको इस तरह से हैंड एक दिखाएंगे तो आपके साथ आकर हैंड पर बैठ जाएगा। दोस्तों कॉमनली क्वेश्चन होता है कि क्यों नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर आप उसको कहीं और रख रहे हैं, किसी कमरे में रख रहे हैं जहाँ पे कि पर्दे के पाइप लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह है, कोई वायर जा रही है, तो वो इजी से उस पर बैठ जाएगा, तो उसको फिर ये रहेगा कि हाँ मुझे यहाँ बैठना है, आपके हैंड पर वो कभी नहीं बैठेगा। दोस्तों तो अगर आप चाहते हैं आपका पैरेट आपके हैंड पर बैठे, तो प्लीज़ ऐसे कमरे में उसको एक मंथ के लिए कम से कम रखें जहाँ पे कोई स्टैंड ना हो दोस्तों, और कि बच्चे को ना रखें ऐसे कमरे में जबका पैरेट्स एक मंथ का हो जाए, उसके बाद ही उसको उस कमरे में रखा जाए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू दोस्तों।